हेलो डॉक्टर वंदना, नमस्ते। आज मैं आपके पास आया हूँ बच्चों के लिए खासकर ब्रशिंग टेक्निक्स पूछने। बहुत सारे पेरेंट्स परेशान रहते हैं इससे और बच्चे डेंटल कैरीज का भी शिकार हो जाते हैं इस वजह से। तो आज मेरे साथ डॉक्टर वंदना त्रिपाठी हैं, वो MDS हैं, पायरियारोग विशेषज्ञ हैं, और मुझे आप आज समझाएंगे, आप सबको समझाएंगी कैसे दांत क्लीन करना चाहिए खासकर बच्चों के। तो डॉक्टर वंदना, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि किस एज से शुरू करना चाहिए डेंटल क्लीनिंग बच्चों की? तो जैसे ही पहला दांत बच्चों के मुंह में आता है, जो एटलीस्ट 6 से 7 मंथ्स की एज पे आता है, उस समय ही माँ को ध्यान रखना चाहिए कि वो जो 1 to 10 दांत शुड आल्सो बी क्लीन, साफ रहना चाहिए वो दांत। तो उसके लिए ब्रश नहीं यूज करें क्योंकि दांत तो इरप्ट कर रहा होता है उस वक्त। तो वेट कॉटन से आप वाइप कर सकते हैं उस टीथ को, जैसे खुला कराते हैं उस वक्त थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि वो दांत भी इन्फेक्टेड, मतलब प्लाक से कवर्ड ना हो, गंदा ना हो, पीला ना दिख रहा हो वो दांत। और धीरे धीरे जैसे ही बच्चे के वो दांत इरप्ट हो जाता है, उसी समय से छोटा जो बच्चों का ब्रश आता है, स्मॉल हेड साइज होना चाहिए उसका, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। बच्चों के ब्रश जो अवेलेबल है मार्केट में, ओरल बी के, कोलगेट के, किसी भी यूज कर सकते हैं। और वो एक ब्रश धीरे से हल्के हाथ से बच्चे के मुंह में यूज करना शुरू कर देना चाहिए। और जैसे 24 मंथ्स तक बच्चे के पूरे दांत आ जाते हैं, 24 to 30 मंथ्स की एज तक, तब तक तो प्रॉपर ब्रशिंग, मतलब 1 ईयर चाइल्ड से तो वो प्रॉपर ब्रशिंग बच्चे की शुरू कर देनी चाहिए। जनरली बच्चे उस वक्त कोशिश करते हैं कि खुद कर ले, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले आप करा दीजिए, फिर बच्चों को पकड़ा दीजिए ब्रश। तो बिना पेस्ट के करना है? नहीं, उस वक्त छोटा सा बच्चों का ही पेस्ट आता है, कीरियो के नाम से आता है बाजार में, और भी फ्लोरिनेटेड थोड़ा, मतलब तो बच्चे तो खा जाते हैं पेस्ट को, खा सकते हैं क्योंकि उसमें जो फ्लोराइड की मात्रा होती है वो, अगर बच्चा पूरा ट्यूब भी खा ले तो भी उसको कुछ रिएक्शन नहीं होने वाला। ओके, और आइडियली पेस्ट की कितनी मात्रा लेनी चाहिए? जैसे आपके पास ब्रश है उसमें समझा दीजिए। आइडियली पेस्ट की मात्रा सिर्फ एक जो मटर का दाना होता है, पी साइज, बहुत छोटा सा अमाउंट। और यूजली हम लोग भारत में सभी लोग बहुत ज्यादा पेस्ट लेते हैं, वो हम लोग 5 गुना का साइज जो होना चाहिए उसका। तो बड़े भी गलत करते हैं, बड़े भी गलत करते हैं, सभी के लिए पी साइज का ब्रश का पेस्ट अमाउंट जो है दैट इज सफिशिएंट। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ब्रशिंग टेक्निक हम लोग सही ढंग से करते हैं ब्रश? हम लोग ज्यादातर आपके पास जनता की पॉपुलेशन, जनता है हिंदुस्तान की, वो ब्रशिंग कभी किसी स्कूल में सिखाई नहीं जाती, प्रिवेंटिव प्रोग्राम इतने सब लोगों को पहुंच नहीं पाते, उतना सीरियसली ब्रशिंग को लेते भी नहीं है। तो ब्रशिंग बहुत ही निग्लेक्टेड चीज है, ओरल हाइजीन इटसेल्फ निग्लेक्टेड है, ओरल कैंसर, इस वजह से दांतों की बीमारियां बहुत होती हैं, बीमारियां बहुत ज्यादा है। और दांतों की बीमारियों से बाकी बीमारियां आगे चल के डायबिटीज, हार्ट, प्रेगनेंसी, शिज़ोफ्रेनिया, ये कम लोगों को पता है कि दांत की बीमारियां बहुत सारी अन्य बीमारियों की जन्मदाता हो सकती है। डायबिटिक एसोसिएशन के 1972 में ही बोल दिया था, फिर 92 में तो उन्होंने पूरा 6th कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज इज पायरिया, इवन हार्ट की भी प्रॉब्लम्स दांत से हो सकती है, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो सब बढ़ जाते हैं, फाइब्रिनोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं, उनकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस कहीं ज्यादा होते हैं एक पायरियाग्रेसिव पेशेंट। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मींस हार्ट अटैक, आम भाषा में हम बोले तो। ओके, और साथ ही साथ में सोशल सामाजिक रूप से जैसे बैड स्मेल बच्चे को आएगी तो वो उससे भी उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है उसको, बैड स्मेल, क्योंकि बच्चे बार बार दांत खराब होते हैं तो सुंदरता में भी फर्क पड़ता है, दिक्कत होती है। सबसे बड़ी बात है नर्सिंग बॉटल कैरीज करके बच्चों में कई दांतों में आपने देखा होगा सामने के दांतों में कीड़ा शुरू हो जाता है वो रात को बॉटल पिलाने से, रात को बॉटल बच्चे बहुत समय से बार बार पीते हैं। और माए बहुत समय से, दैट इज नर्सिंग बॉटल, बेबी बॉटल सिंड्रोम भी बोलते हैं उसको, उसका हम फोटोग्राफ दिखा देते हैं, माए बहुत लाड प्यार में बहुत 2.5-3 साल के बच्चों तक को दूध पिलाती रहती है, माँ का दूध कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा मीठा होता है। और दोनों ही बातें, या तो बेबी बॉटल से या फिर माँ के दूध से, दोनों ही चीजें। आप ब्रशिंग टेक्निक बताइए बच्चों के लिए कैसे करना चाहिए और बड़ों के लिए, तो उस पर पहले मैं बच्चों के लिए बताती हूँ। तो बच्चों को आप सिखाइए कि वो बड़ा सर्कल ऐसे करके बनाए, बड़ा सर्कल रिड्यूस करते 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 वो छोटा सर्कल बनाएंगे आपके सामने, ऐसे बनाएंगे, फिर उनसे कहिए वही सर्कल वो अपने टीथ पे बनाए, वेरी गुड, ऐसे करके जैसे ऐसे सामने के दांतों में ऐसा कुछ, वही बड़ा सर्कल जो वो बनाते, सर्कुलर मूवमेंट यहाँ रख लीजिए इसको, ये ऐसे ऐसे रखें, ये छोटा सर्कल बच्चे आगे के दांत में दोनों दांत से कहिए सामने के मिला ले और ऐसे गोल 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 आपस में ऐसे ब्रश कराएंगे, सर्कुलर मूवमेंट सामने का। पीछे के लिए स्क्रब टेक्निक जो बच्चों के लिए बोलते हैं, दैट इज नॉर्मल हॉरिजॉन्टल मोशन, इट शुड बी, मतलब ब्रश सॉफ्ट है, फोर्स नहीं लगाना है उनको, कभी भी ब्रश ऐसा नहीं करना चाहिए कि ब्रश ऐसे टिल्ट फ्रे हो जाए,
उसको सीधा सीधा बच्चों को स्क्रब टेक्निक पीछे के दांतों के लिए और सामने के लिए ऐसे वही सर्कल बनाना है उनको। ओके। फिर मुंह वो खोलेंगे, जैसे उन्होंने मुंह खोला तो सामने ऐसे उनसे ब्रश करने के लिए कहिए कि ये ऐसे और ऊपर के दांत भी जैसे ये है तो ऐसे, ये उनको 4-6 मोशन आप सिखा दीजिए कि तुमको ऐसा करना है बस। मतलब अंदर भी करना है, अंदर भी मुंह खोल के थोड़ा चिन डाउन करके। अच्छा, ये जो हम इस तरह से जो ना करते हैं, वो गलती क्या करते हैं यूजली पेरेंट्स या बड़े लोग भी गलती जो करते हैं, क्या गलत टेक्निक क्या होता है? गलत टेक्निक क्या है, हम लोग को जो बस ब्रश पकड़ा दिया जाता है, बताया नहीं जाता कैसे ब्रश करना है। तो आइडियली तो हमको 45 डिग्री टू द लॉन्ग एक्सिस, दांत अगर सीधा है तो हमको बड़ों के लिए दांत और मसूड़े के बीच में इस एरिया में ब्रश करना है, यहीं से पैरिया शुरू होता है, ऐसे करके फिर नीचे, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड बास टेक्निक। ओके, दिस इज द आइडियल मेथड। मतलब गम के पास में टिल्ट करके रखना है ब्रश को और फिर उसको बाहर की ओर दबाते हुए निकालना है। और प्रेशर कितना, बहुत ज्यादा देना है क्या? प्रेशर इतना होना चाहिए, सॉफ्ट ब्रश, लाइट प्रेशर, सॉफ्ट टू मीडियम ब्रश, बहुत हार्ड नहीं, बहुत सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट जरूरत नहीं है। ऐसे ऊपर के दांत नीचे की तरफ और नीचे भी 45 डिग्री एंगल रखिए, नीचे के दांत ऊपर की तरफ। और पेस्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है या ब्रश ज्यादा इम्पोर्टेंट है? हमेशा ब्रश ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पेस्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पेस्ट तो आपके फ्लेवर के लिए है, थोड़ा सा डिटर्जेंट रहती है, थोड़ी सी ग्लिसरीन रहती है उसमें, तो जिससे कि एक ह्यूमेक्टेंट टाइप का इफेक्ट रहता है, फ्रेशनेस रहती है आपके माउथ में। लेकिन आइडियली इट इज द ब्रशिंग विच इज इम्पोर्टेंट, जो कभी सिखाई नहीं जाती है। और ये जो पेस्ट है, बच्चों और बड़ों के पेस्ट में कुछ फर्क होता है? बच्चों के थोड़ा फ्लेवर ज्यादा होते हैं, बच्चों का थोड़ा च्युइंगम अलग लेना चाहिए, एक ही यूज कर सकते हैं, वही वाला यूज कर सकते हैं, बच्चे को फ्लेवर वगैरह का बहुत ज्यादा नहीं है। बट अमाउंट सभी में कम रखना है, अमाउंट सभी में रखना है। ओके ओके, बहुत अच्छी जानकारियां दी डॉक्टर बन्ना आपने। मेरे ख्याल से और कुछ आप बोलना चाहेंगी, कोई और गलती जो जो पेरेंट्स करते हो इसमें, वो काफी जंप से मतलब दूर दूर तक जो करते हैं? एक ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में कि लोग, कई लोग तो दिन में 3-3-4 बार ब्रश करते हैं। आइडियली 2-3 मिनट्स ब्रश करना चाहिए वर्टिकल, साथ में जब पीछे के दांत कर रहे हैं तो एक बार में 3 दांत हॉरिजॉन्टल, ऐसा 3 से ज्यादा नहीं कि बहुत लंबे लंबे मूवमेंट कर रहे हैं, वो गलत हो जाता है। उससे क्या हो जाता है? उससे सर्वाइकल एब्रेशन टाइप की चीज होती है, दांत यहाँ से कट जाता है। Okay. मतलब बिल्कुल एंड ऑफ द गम्स और टीथ के बीच में इस एरिया से दांत कट जाता है, इतना हो जाता है कि रूट कैनाल की जरूरत पड़ जाती है, आधे आधे दांत घिस जाते हैं, सारे दांत आधे आधे घिस जाते हैं। बहुत फ्रीक्वेंटली ब्रश करना भी गलत है? दिन में 2 बार ब्रश सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। और उससे भी एक एडिशनल चीज है कि डेंटल फ्लॉसिंग इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं है, हम लोग अच्छे से अच्छा भी ब्रश करते हैं तो 40% सर्फेसेज होते हैं दांत पे, प्रॉक्सिमल सर्फेसेज मतलब जो दांत जहाँ मिलते हैं वो क्लीन नहीं हो पाते, तो आइडियली एटलीस्ट वंस अ डे फ्लॉसिंग शुड बी डन। तो डॉक्टर वंदना इतना और बताइए कि क्या कुछ खाने का भी रोल है दांतों को हेल्दी रखने के लिए बच्चों में और बड़ों में? बच्चों में क्या होता है, बच्चे मीठा खाते हैं, मीठा खाने को उनको रोक नहीं सकते, तो उनको जितना भी मीठा खाना है वो 1 बार या 2 बार में दे दे, बार बार फ्रिज खोल के खाना सही नहीं है उनको, और जो भी दे वो खाने से पहले दे दे, मतलब अगर वो मान लीजिए खाने के बाद खा लेते तो कुछ बहाने से उनको नमकीन कोई चीज खिला दीजिए, पर बार बार नहीं खिलाइए, 1 या 2 बार, जितना खाना एक बार में खा लो। और कोई चीज बेनिफिशियल है बच्चों के, मतलब जैसे फल है, फाइबर्स वगैरह? फाइब्रस डाइट इज ऑलवेज बेनिफिशियल, क्योंकि दांतों के बीच में वो सफाई अच्छे से कर देते हैं, वॉशिंग आउट इफेक्ट हो जाता है दांतों का, तो इसलिए फाइब्रस फूड इज गुड इनफ, बैलेंस डाइट, फाइब्रस फूड। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वन्ना, बहुत बहुत काइंड एफर्ट है आपका, इससे जरूर मदद मिलेगी लोगों को। थैंक यू वेरी मच।